हेलो एवरीवन, हमारा कंक्रीट टॉपिक चल रहा था, उसके हमने कुछ अराउंड 50 क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट्स। जो बल्क डेंसिटी होती है एग्रीगेट की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बल्क डेंसिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक इस तरीके के दो फ्लास्क ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एग्रीगेट फिल कर देते हैं इस तरीके से। इसमें मान लीजिए कुछ एग्रीगेट फिल्ड हैं, और फॉर एग्जांपल इनका वेट जो है 10 किलोग्राम है। अब हम वही क्या करते हैं, यहाँ फाइन एग्रीगेट भर देते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइन एग्रीगेट हैं लाइक सैंड, और इनका वेट भी अगर 10 kg है, तो हमने क्या किया, इसी को क्रश करके ये बना दिया है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे, तो बल्क डेंसिटी जो होती है एग्रीगेट की, वो उसकी बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वॉइड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर फाइन कर देंगे तो वही चीज़ वॉइड्स में, वो साइज ऑफ एग्रीगेट कम हो गया है, इसीलिए उस वॉइड्स में भी वो एग्रीगेट चला जाएगा। तो क्या हुआ, वेट तो उतना ही रहा, बट अभी मान लीजिए अगर ये वॉल्यूम टोटल अगर वी है, इसको हम मान लेते हैं मान लीजिए 5 लीटर है, तो हो सकता है उसको फाइन करने के बाद जो वॉल्यूम हो वो 4.8 लीटर में ही आ जाए वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, जो बल्क डेंसिटी है, यानी कि बल्क डेंसिटी की हम बात करेंगे कि कितना वॉल्यूम घेर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 किलोग्राम पर कितना लीटर हो गया, 5 लीटर, और यहाँ पे भी 10 किलोग्राम पर 4.8 लीटर। तो बल्क डेंसिटी यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल गई, तो यहाँ पे कम मिली। तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, शेप पर डिपेंड कर रहा है, अगर बड़ा है छोटा है उस पर डिपेंड करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के साइज के एग्रीगेट हैं तो उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। कॉम्पैक्शन, अगर हम इसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देंगे तो वॉइड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्लेकीनेस इंडेक्स। द फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट्स इज द परसेंटेज बाई वेट द पार्टिकल्स इन इट हूज थिकनेस इज लेस देन। तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 3/5 ऑफ मीन साइज, ये हम क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज आप लोग याद कर लीजिए, स्मॉलेस्ट साइज जो होता है वो जनरली इसमें कहा जाता है 0.06 को हम बोल देते हैं कि ये स्मॉलेस्ट साइज मानते हैं, इसकी यूनिट जो होगी mm हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ सेम नॉमिनल साइज व्हिच कंटेन्स लेस वॉइड्स व्हेन कॉम्पैक्टेड आर। अगर हम कौन सा एग्रीगेट लें जिसका कि नॉमिनल साइज सेम हो और वो उसमें वॉइड्स कम हो, व्हिच कंटेन्स लेस वॉइड्स व्हेन कॉम्पैक्टेड आर, अगर हम उसे कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसमें वॉइड्स जो होंगे वो कम होंगे, तो वो कौन सा होगा, थोड़ा सा आप कंसेप्ट देख लीजिए। हम अगर हम बात करते हैं पैकिंग की, तो अगर राउंड और स्फेरिकल एग्रीगेट होते हैं तो उसमें वॉइड्स जो हैं बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लेकी इरेगुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। और इसके लिए हम बात करते हैं इनकी पैकिंग इफिशियंसी, एक वर्ड होता है जो हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी की अगर बात करें तो राउंड एग्रीगेट जो होते हैं उसमें जो वॉइड्स होते हैं वो अराउंड 33% होते हैं। वही अगर एंगुलर की बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा राउंड की बात, एंगुलर वॉइड्स की अगर बात करते हैं तो ये अप टू 44% तक चले जाते हैं वॉइड्स इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटर कॉम्पैक्टिंग कॉम्पैक्टिंग क्वालिटी हमें किस में मिल रही है, राउंड स्फेरिकल में मिल रही है। टेक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन द एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कॉम्पैक्शन इज कॉल्ड द एंगुलैरिटी नंबर। एंगुलैरिटी नंबर क्या होता है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। एंगुलर एग्रीगेट आर सुपीरियर टू राउंडेड एग्रीगेट। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द सर्फेस टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस, ग्रेन साइज, फ्री स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं एंगुलैरिटी नंबर क्या होता है। एंगुलैरिटी नंबर जो होता है ये एक काइंड ऑफ मेजर होता है जिससे हम देखते हैं कि कितने परसेंट जो वॉइड्स हैं वो एक्सेस में हैं एज कम्पेयर टू
राउंडेड एग्रीगेट। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो लास्ट क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था कि राउंडेड एग्रीगेट्स का जो अगर वॉइड्स परसेंटेज कितना होता है 33 और एंगुलर का कितना होता है 44 तक जा सकता है। तो अगर हम एंगुलैरिटी नंबर की बात करें फॉर राउंडेड एग्रीगेट की बात करेंगे अगर हम, तो हम क्या इन एक्सेस टू राउंडेड एग्रीगेट यानी कि 33 से 33 में कितना एक्सेस है तो जीरो हो जाएगा, यानी 33% माइनस 33%, तो ये जीरो आ गया। एंगुलैरिटी नंबर की अगर हम बात करते हैं फॉर एंगुलर एग्रीगेट तो ये कितना हो जाएगा 44% इन एक्सेस टू वॉइड्स इन राउंडेड, तो ये कितना आ जाएगा 11। तो ये जो होता है एंगुलैरिटी नंबर, इसको हम बोल देते हैं एंगुलैरिटी नंबर। इसकी रेंज जो होती है 0 से 11 तक होती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन द एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कॉम्पैक्शन इज कॉल्ड एंगुलैरिटी नंबर, क्या ये सही बात है? इन एक्सेस टू राउंडेड एग्रीगेट होता है उसको हम बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। एंगुलर एग्रीगेट और सुपीरियर टू राउंडेड एग्रीगेट ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या? सुपीरियर और उसकी डिपेंड ही नहीं करती है क्वालिटी पे। द सर्फेस टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस, सर्फेस का जो टेक्सचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? हार्डनेस पे, बिल्कुल, ग्रेन साइज पे, फ्री स्ट्रक्चर पे और स्ट्रक्चर ऑफ दी रॉक, सारे पे डिपेंड करता है। इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। स्पॉट द ऑड स्टेटमेंट, हमें ऑड स्टेटमेंट निकालना है। क्या बोल रहा है? राउंडेड एग्रीगेट, क्या राउंडेड एग्रीगेट में ऐसा कुछ लग रहा है जो गलत है? राउंडेड एग्रीगेट एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इररेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट, इररेगुलर है या कुछ राउंडेड है? मान लीजिए कि राउंडेड तो ये हो गया, पार्टली राउंडेड मतलब हाफ सेमी हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये पार्टली राउंडेड बोल देंगे हम, ये इररेगुलर हो गया। एंगुलर फ्लेकी एग्रीगेट, क्या ये टर्म सही है? इसके बारे में हम सोचते हैं। सिंगल साइज एग्रीगेट, मान ली 10 mm का हो गया, 20 mm का हो गया, इस पर बोल देते हैं ये सिंगल साइज। एंगुलर फ्लेकी एग्रीगेट देख लेते हैं क्या है। एंगुलर एग्रीगेट जो होते हैं वो या तो फ्लेकी होंगे या एंगुलर होंगे। वैसे फ्लेकी एग्रीगेट जो होते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगुलर हो ही, तो ये दोनों जो है अपोजिट प्रॉपर्टी होंगी, या तो एंगुलर होंगे या फ्लेकी होंगे। तो एंगुलर फ्लेकी एग्रीगेट के एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑड स्टेटमेंट पूछा है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर कंस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट। हमें इंश्योर करना है कि मॉइस्चर कंटेंट जो हो वो कॉन्स्टेंट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे एग्रीगेट के साथ? तो पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज, यानी जो पाइल बनाएंगे एग्रीगेट की वो बड़ी होनी चाहिए, तो उससे क्या इंश्योर हो पाएगा कि वो कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हाइट ऑफ दी ईच एग्रीगेट पाइल शुड नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, यानी अगर ज्यादा हाइट रखेंगे तो पानी अगर ऊपर से डालते हैं तो नीचे तक शायद ना पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो एक बात समझ में आती है कि हाइट जो है वो हमें ज्यादा नहीं रखनी है। एग्रीगेट पाइल शुड बी लेफ्ट फॉर 24 आवर्स बिफोर एग्रीगेट यूज, तो इनकी पाइल्स को हम 24 आवर लीव कर दें जिससे कि पानी नीचे तक पहुंच जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। तो एरिया जो होता है ईच एग्रीगेट पाइल का वो लार्ज होना चाहिए, ये याद कर लीजिए आप लोग। हाइट जो है ईच एग्रीगेट का वो शुड नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, ये एक स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं हमने। एग्रीगेट पाइल जो है उसको हमें एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए छोड़ना पड़ेगा जिससे कि प्रॉपर वेटिंग हो जाए सबकी। कॉनिकल हीप्स टू एग्रीगेट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट मॉइस्चर कंटेंट, ये चार ऑप्शन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे तीन ठीक बैठ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन सैंड वेयर चेंज इन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हम जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम मैक्सिमम कब होता है? जब 5% के अराउंड मॉइस्चर कंटेंट होता है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसेबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर अगर बना रहे हैं हम तो उसके लिए जो होता है मैक्सिमम साइज हम 10 mm ले लेते हैं। उसके बाद अगर रीइंफोर्स्ड मेंबर्स की बात करते हैं तो रीइंफोर्स्ड मेंबर्स के लिए जो होता है वो होता है हमारा 20 mm। उसके बाद अगर मैसिव वर्क, मैसिव वर्क कौन कौन से होगा? जैसे कि डैम्स,
रिटेनिंग वॉल्स, इनके लिए जो मैक्सिमम साइज हम ऑफ एग्रीगेट यूज कर सकते हैं वो होता है 40 mm। तो ये तीन स्टैंडर्ड हो गए। तो हमारा क्या पूछा हुआ है इन्होंने, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, तो उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट इज, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट होती है वो क्या क्या होती है, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। 5% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विद अ कोर्स ग्रेडिंग। अगर कोर्स ग्रेडिंग है उस में एग्रीगेट्स की और वर्केबिलिटी हमें कम रिक्वायर्ड है, तो उसमें 5% जो है डस्ट अलाउड है। ये ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप। 10% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विद अ फाइन ग्रेडिंग। वही, अगर फाइन ग्रेडिंग हो जाती है वर्केबिलिटी लो ही रहती है, लेकिन चेंज क्या हुआ, कोर्स से फाइन ग्रेडिंग हुई, तो हम अलाउ कर देते हैं उसमें 10% डस्ट। 20% कब करते हैं, द टोटल एग्रीगेट फॉर अ मिक्स हैविंग हाई वर्केबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइन ग्रेडिंग तो रही रही, वर्केबिलिटी भी इस बढ़ गई, तो हमारा 10% और बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 20 हो गए। तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इज यूजुअली अबाउट 10% मोर देन द कोर्स एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कॉम्पोजिशन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ये वाला हम क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। इसमें क्या था, द बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट जो होती है वो यूजुअली 10% जो होती है ज्यादा होती है कोर्स एग्रीगेट से जिसमें सिमिलर कॉम्पोजिशन है। ये कैसे हुआ, हमने क्वेश्चन अभी देखा था आपका, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसको देख लेते हैं। इसमें हमने एक ग्राफ बनाया था, ये इसमें देख लीजिए बल्क डेंसिटी क्या है। यहाँ पे मान लीजिए बड़े बड़े एग्रीगेट्स थे, यहाँ पे फाइन एग्रीगेट हुआ, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, 5 से 4.8 पहुंच गया। यानी कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कुछ बढ़ गई। तो बढ़ क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे वॉइड्स में भी फाइन एग्रीगेट होने के बाद वो वॉइड्स में भी चला गया। तो बल्क डेंसिटी जो होती है जनरली कोर्स एग्रीगेट से फाइन एग्रीगेट की ज्यादा होती है, वो अराउंड 10% होती है। ये बात समझाना चाह रहा था वो पॉइंट। तो अगर 10% ज्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एग्रीगेट की वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अगर हमें निकालना होता है। द एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट। बिल्कुल सही बात है, एब्जॉर्प्शन पोरोसिटी जो होगी एग्रीगेट की वो उसकी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड करेगा। पोरोसिटी ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो वो उसकी कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन एग्रीगेट विच पासेस थ्रू 25 mm ISC एंड रिटेन्ड ऑन 20 mm C। तो अगर 25 mm C से पास हो जा रहा है, 20 से रिटेन हो जाए, तो एवरेज निकाल सकते हैं हम इसका, 20 + 25/2, ये आ गया हमारा 22.5 mm। उसके से टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट लेटरल लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन, तो इसका अगर हम 0.6% निकाल लेते हैं और उससे अगर छोटा हुआ तो वो क्या बोलेंगे हम उसको, कि वो फ्लेकी हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, अराउंड 13.5 आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज एक्सप्रेस्ड जनरली एज, वही फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, किलोग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं इसको हम। Using the largest maximum size of aggregate in concrete reduces. अगर हम largest maximum size use करते हैं तो उसका क्या advantage होता है? उससे हमारा cement content reduce हो जाता है क्या? बिल्कुल reduce हो जाएगा, क्योंकि paste requirement कम हो जाएगी, तो water requirement भी कम हो जाएगी और cement content भी कम ले सकते हैं। Drying shrinkage, अगर aggregate ज़्यादा ले रहे हैं cement कम ले रहे हैं, cement कम लेंगे तो shrinkage हमारी automatically कम हो जाएगी। तो इसके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। द टाइप ऑफ एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड फॉर पेमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन इज,
बोल रहा है द टाइप ऑफ एग्रीगेट्स नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड फॉर पेवमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा अगर ऐसा कोई एग्रीगेट जिसमें टेंशन जो है वो फेस करने के लिए बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा एग्रीगेट होना चाहिए? अब मान लीजिए इसमें सरफेस एरिया कम है, तो उसमें बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज कम होंगी। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी, तो टेंशन में वो वीक हो जाएगा। तो हमें ऐसा एग्रीगेट इसमें से निकालना होगा जो एग्रीगेट में प्रॉपर सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। और हम जानते हैं राउंडेड जो होते हैं उनमें सबसे कम सरफेस एरिया मिलता है। तो अगर हम राउंडेड एग्रीगेट की बात करते हैं, तो अगर वो टेंशन में अगर हम किसी मेंबर में यूज करेंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज बहुत कम हो जाती हैं, उसमें अवॉइड करते हैं, वो सुटेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इज आईएससी नंबर 10 एंड 4.5 एमएम आर जनरली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग। हम जानते हैं कि 4.75 एमएम की जो सी होती है उससे अगर पास हो रहा है कोई एग्रीगेट तो कोर्स हो जाता है, फाइन हो जाता है, और उस पर अगर रिटेन हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो 4.75 एक ऐसा बेंचमार्क होता है जो बाउंड्री की तरह काम करता है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट इज डिपेंड्स अपॉन, जो मैक्सिमम साइज ऑफ कॉन्क्रीट है वो किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल सेक्शन। मान लीजिए हम बहुत पतला सेक्शन यूज कर रहे हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट है, तो हम क्या सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम साइज को लिमिट कर देंगे। स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट अगर कम होगी तो हमें उसमें छोटा एग्रीगेट यूज करना पड़ जाएगा। अगर क्लियर कवर की बात करते हैं, क्लियर कवर हमें कम देना है तो हमें एग्रीगेट साइज कम यूज करना पड़ेगा। यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिलीटीरियस मटीरियल्स इन द एग्रीगेट्स, कौन से मटीरियल हैं डिलीटीरियस होते हैं, जैसे कोल, क्ले, सॉफ्ट फ्रैगमेंट्स, ये सारे जो होते हैं इनकी डेंसिटी वेरी करती है। तो ये क्या करते हैं, ये सभी जो हैं डिलीटीरियस मटीरियल्स कहलाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सारे ही नहीं होने चाहिए कॉन्क्रीट में। द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस 2.62 कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस 5.4 इज। तो इन्होंने दो फाइननेस मॉडुलस दे रखे हैं, तो हमें क्या पूछा है ना, तो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस 26.2 भी कंबाइंड विद, यानी एक एग्रीगेट की एक एग्रीगेट है उसकी जो परसेंटेज है वो उसका फाइननेस मॉडुलस 2.6 है, और दूसरा कोर्स एग्रीगेट है विद कोर्स एग्रीगेट उसका फाइननेस मॉडुलस कितनी है, 6.8 है फाइननेस मॉडुलस। फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट्स ऑफ, हमें क्या करना है, 5.4 का फाइननेस मॉडुलस निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, P2 माइनस P कर देंगे अपॉन P माइनस P1 कर देंगे, यानी 6.8 ज़्यादा हो जाएगा माइनस 5.4 अपॉन 5.4 माइनस 2.6, ये वैल्यू आ गई 0.5, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स इज नॉट डिजायरेबल, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिजायरेबल नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं एंगुलर शेप जो होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम एंगुलर शेप लेते हैं तो उसमें वॉइड्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, अप टू 40-41% पहुँच जाती है। वर्केबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इनके जो साइज, जिनके जो सर्फेस एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड जो होता है वो रिलेटिवली मोर होता है, यानी ज़्यादा हमें चाहिए होता है, और उसकी वजह से श्रिंकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम एंगुलर को अवॉइड करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट मेड, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मेड विद एंगुलर एग्रीगेट एंड राउंडेड एग्रीगेट इज प्रैक्टिकली सेम एट द वाटर सीमेंट रेशियो। होता क्या है, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा पेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। पेस्ट अगर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो जो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि स्ट्रेंथ की या कोई प्रॉपर्टी की बात करते हैं उसकी कॉन्क्रीट की, तो वो इन्फ्लुएंस कौन करता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो सीमेंट पेस्ट ही इन्फ्लुएंस करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा हो गया है वो, तो अगर वही इन्फ्लुएंस करने लगा है तो फिर अगर उसमें हम एंगुलर एग्रीगेट डाल रहे हैं या फिर हम राउंडेड एग्रीगेट डाल रहे हैं तो उससे इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ओवरऑल जो है जो स्ट्रेंथ ऑफ पेस्ट है वही मैटर करने लगती है। सॉरी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो में कहाँ दिख रहा है, 0.65।
तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है। अभी हम टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट इस पे देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होती है, सीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम उसके अंदर के मॉइस्चर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, या तो ड्राइंग करेंगे कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जितना ड्राई करेंगे जितना उसमें पॉसिबल है, उससे क्या होगा, उससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले लकड़ी में सीजनिंग करते हैं जिससे कि उससे जितना हो सके मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए। तो अभी हम देख लेते हैं सीजनिंग क्या प्रोसेस है। सॉफ्ट द टिम्बर, सॉफ्ट करते हैं बिल्कुल नहीं, हार्ड करते हैं नहीं, स्ट्रेंथ देते हैं नहीं, रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर। सैप जो होता है एक बहुत ही लिक्विड टाइप का उसमें होता है जिसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो हम कह देते हैं कि सैप को रिमूव करने के लिए भी हम सीजनिंग कर रहे हैं। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय, प्लाईवुड जो होती है वो जनरली हम किससे स्पेसिफाई करते हैं कि वो कितनी मोटी है, ना कि उसके वेट या वॉल्यूम से बात नहीं करते हैं, देखते हैं कितनी उसकी थिकनेस है। वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज द मैक्सिमम इन केस ऑफ, जो वेस्टेज होगी टिम्बर की वो किस में मैक्सिमम होती है। चार टाइप की इसमें दिखा रखी है हमारी सॉइंग की तरीके, एक ऑर्डनरी सॉइंग होती है, एक टेंजेंशियल, रेडियल और क्वार्टर सॉइंग। अगर हम ऑर्डनरी सॉइंग की बात करें, मान लीजिए कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है किसी लकड़ी का और इसमें हम इस तरीके से काट रहे हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे ये ऑर्डनरी सोइंग है। क्वार्टर सोइंग क्या होती है, इस पूरे को हमने पहले इस तरीके से चार पार्ट में निकाल लिया, अब ये क्वार्टर हो गया, इसमें हम कैसे काटेंगे, इसमें हम कुछ इस तरीके से काटते हैं, ये कहलाती है क्वार्टर सोइंग। ये हो गई ऑर्डनरी, ये हो गई क्वार्टर। फिर आती है टेंजेंशियल सॉइंग, वो कैसी होती है वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है और ये जो है इसकी एनुलर रिंग्स हैं। अब हम इनके एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल काट रहे हैं इसको, तो ये कहलाती है टेंजेंशियल सॉइंग। रेडियल सॉइंग होती है, मान लीजिए इस तरीके का हमने ये तो क्वार्टर काट रखा था, उसके बाद हम इसको इस तरीके से काटते हैं। तो अगर इस तरीके से काट रहे हैं तो इसमें क्या एडवांटेज हो जाता है कि इसमें जो रेडियल इसकी जो लाइंस होती हैं वो हम कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेस्टेज की, तो वेस्टेज इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये साइड के मान लीजिए बहुत पतले साइज के मिलते हैं या फिर किसी में यूज़ नहीं हो सकते हैं इंजीनियरिंग टिम्बर के फॉर्म में, तो हम इसको बोल देते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वेस्टिंग हो जाती है, तो रेडियल स्वाइंग में सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन पंच्ड और परफोरेटेड कार्ड की सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर, अ कार्ड हैज। तो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 4970 1973, एज पर IS 4970 1973, इन पंच्ड और परफोरेटेड कार्ड की सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर अ कार्ड हैज 96 होल्स। ये आप लोग याद कर लीजिए, 96 होल्स होते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग सैप फ्रॉम टिम्बर, हम पहले ही देख चुके हैं। प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, प्लाईवुड जो होती है वो किससे बनती है, जनरली कॉमन टिम्बर से बनाते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हम टीक वुड लेंगे, बैम्बू लेंगे, एस्बेस्टस लेंगे। जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम, तो वुडन टिम्बर जो होते, वुडन मोल्ड जो होते हैं वो किससे बनाते हैं हम देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, प्लाईवुड हो गया, शीशम है, देवदार है और टीक वुड है। तो जो प्लाईवुड होता है वो होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यूनिफॉर्म होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी, बोथ अलोंग बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये कहाँ यूज करते हैं हम, डोर्स, फर्नीचर, सीलिंग्स में यूज करते हैं।
डोर्स, फर्नीचर, सीलिंग्स एक्सेट्रा में यूज कर लेते हैं। शीशम जो होता है ये इसकी ये एक मोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टिम्बर है जो कि सॉफ्ट वुड देता है, ठीक है। सॉरी, ये बहुत ही टफ एंड ड्यूरेबल टिम्बर देता है हमारा शीशम। ये जो है बहुत ही टफ एंड ड्यूरेबल टिम्बर देगा। और ये जो होता है इसकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जो शेप दे दो इसको वो उसमें बना रहता है, लेकिन इसकी जो इसके साथ वर्केबिलिटी जो होती है बहुत डिफिकल्ट होती है इसके साथ काम करना, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, टफ है, ड्यूरेबल है, इसलिए थोड़ा टफ रहता है, इसीलिए उसको काटने या उसमें फिनिशिंग देने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स गुड बनाने में, या हाई क्लास फर्नीचर बनाने में, या वुडन मोल्ड्स बनाने में, या रेलवे कैरेजेस बनाने में। तो अगर हम इन चीज़ों को हम शीशम को यूज़ करेंगे तो हमारा जो वुडन मोल्ड बनाने में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, शीशम यूज़ कर रहे हैं। देवदार जो होती है ये सॉफ्ट वुड होती है, मॉडरेटली स्ट्रांग होती है। ये चीप एंड रफ फर्नीचर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। टीक जो होता है ये भी मॉडरेटली हार्ड होता है। इसको हम हाउस कंस्ट्रक्शन में, फ्लोरिंग में, शिप बिल्डिंग में, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज कर लेते हैं। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी नोन फॉर एग्जामिनिंग इज एनुलर रिंग जो होती है ईयरली उसके साथ ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो हम देख लेते हैं एनुलर रिंग्स कितनी है, उसके हिसाब से हम उसकी एज कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्राई रॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई रॉट जो होता है क्रैक्स द टिम्बर, ड्राई रॉट के टिम्बर को क्रैक कर देती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। रिड्यूसेस द टिम्बर टू पाउडर, ये दीमक होती है एक टाइप की जो क्या करती है टिम्बर को पाउडर में बना देती है, और पाउडर में बना देगी तो उसकी स्ट्रेंथ को भी कम कर देगी। तो हमारा बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन हम क्या करेंगे बी ऑप्शन लगाएंगे अगर हमें एक ऑप्शन लगाना होगा तो। एज ऑफ अ ट्री में भी असर्टेन्ड बाय वही क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स, द मॉइस्चर कंटेंट इज अ वेल सीजन टिम्बर इज, जो वेल सीजन टिम्बर होती है उसमें भी मॉइस्चर रहता है, उसकी लिमिट होती है 10 से 12%। प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग वुडन शीट्स एट अ प्रेशर ऑफ, इसमें कई बार हम 100 to 150 भी देते हैं, 100 to 130 भी देते हैं, इसीलिए दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, जो ड्राई रॉट की डिजीज होती है उसका रीजन क्या होता है, कंप्लीट सबमर्जेंस इन वाटर, नहीं ऐसा नहीं होता है। दीमक कब लगती है, या वेंटिलेशन घरों में प्रॉपर नहीं होते हैं तो क्या होता है दीमक के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द एज ऑफ ट्रीज कैन बी अंडरस्टूड बाय थिकनेस काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, अभी हमने जस्ट देखा था कि हार्डेस्ट वुड कौन सी होती है, हमारी शीशम जो होती है उसको हम बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा हार्ड होती है। द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडो इज यूजुअली टेकन टू बी, जनरली हम टीक वुड डोर्स को जो होते हैं 20 ईयर्स लेते हैं। हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प, अगर हम सीजनिंग करेंगे तो उससे क्या, इट इंक्रीज द वेट ऑफ द टिम्बर, वेट तो नहीं बढ़ाता है क्योंकि मॉइस्चर को कम कर रहा है। इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर, ये ठीक हो जाएगा। तो ओनली बी इज द आंसर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉइंग टिम्बर, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, देख लेते हैं। टेंजेंशियली टू एनुलरिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हमने अभी देखा था ये। द फोर क्वार्टर सच दैट ईच क्वार्टर कट बोर्ड्स एनुलरिंग्स ऑफ एंगल्स नॉट लेस देन 45 इज नोन एज क्वार्टर सॉइंग, बिल्कुल ठीक बात है। कट आउट द क्वार्टर लॉग्स पैरेलल टू द मेडलरी रेज, अगर मेडलरी रेज के अलॉन्ग हम काट रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे, हम रेडियल। तो सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड वीनर्स आर, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड वीनर्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीनर्स जो होती हैं वो होती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। जो वीनर्स होती हैं उनको लेयर्स को बोलते हैं, लेयर्स ऑफ वुड को हम वीनर्स बोलते हैं। और वीनर्स जो होती हैं वो हम कैसे क्रॉस प्लेस करते हैं, राइट एंगल्स पे, यानी एक वीनर ऐसे रखा है इस डायरेक्शन में तो दूसरा वीनर इस डायरेक्शन में रखेंगे, जिससे हमारा कॉमन स्ट्रेंथ जो है दोनों डायरेक्शन में इक्वल मिले। द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द ट्री विच
बिकम अ विस्कस सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो होता है सैप का काम होता है कि जो पानी को या फिर उसके जो न्यूट्रिशंस को होते हैं उसको सैप पहुंचाता है, इसको ये आउटर एनुलर रिंग्स जो होती हैं उनको कहते हैं। ये जो हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जो होता है सैपवुड होता है, ये लाइट होता है कलर में और वेट में, और यही जो है मेन एक्टिव पार्ट प्ले करता है। ट्रीज और जाइलम जो होता है उसको ट्रांसफर करने, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने में, और जो होता है ये स्ट्रेंथ कोई शो नहीं करता है, स्ट्रेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेंड फ्रॉम, जो वैल्यूएबल टिम्बर होता है वो हम किससे निकाल लेंगे, हमने अभी पढ़ा था टीक जो होता है, टीक जो है बहुत ही लिमिटेड या सुपीरियर वर्क के लिए यूज करते हैं जो कंपेरेटिवली कॉस्टली होते हैं, शिप बिल्डिंग हो गया, रेलवे कैरेजेस हो गया, उनके लिए यूज करते हैं। तो टीक जो है इंपॉर्टेंट होता है। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, व्हाइट आंट्स के अगेंस्ट जो होता है टीक, व्हाइट आंट्स के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है और इस पर अटैक नहीं कर पाती है आंट्स और ड्राई रॉट दोनों ही। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर, ड्राई रॉट अभी हमने पढ़ा था, उससे क्या होता है वो पाउडर बन जाता है। द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड इज, जो प्लाईवुड होती है उसका लो एक्सपेंशन और श्रिंकेज होता है उसका क्या रीजन होता है हमें ये देखना है। पाइल्स आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल्स विद ईच अदर, यही रीजन है कि अगर राइट एंगल्स में प्लेस करते हैं जिसकी वजह से दोनों ही डायरेक्शन में उसका जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहता है, इसमें श्रिंकेज और एक्सपेंशन के चांसेस उसमें बहुत कम रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एट ऑफ टिम्बर, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती है, सॉरी उसके लिए, एज ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो एज के लिए हम जानते हैं एनुअल रिंग्स चेक कर लेते हैं। द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैपवुड ओवर द वूंड्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ इज कॉल्ड, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो डिफेक्ट होता है टिम्बर में जो किसकी वजह से अराइज होता है, ड्यू टू स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैपवुड, सैपवुड की जो लेयर्स होती हैं उनकी ग्रोथ की वजह से उसमें स्वेलिंग के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ओवर द वूंड्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ, ब्रांच के कटने के बाद उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं रिंड गैल, ठीक है। तो यहीं पे अपना आज का हम लेसन खत्म करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।